तो क्या हाल है गाइस, देखो यार आ चुके हैं यहाँ पर एक और नई वीडियो लेके वापस। और गाइस जैसे कि आपको पता होगा इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं, एंड क्या आपको पता है कि उसमें से सिर्फ 149 कंट्रीज में ई स्पोर्ट्स को वैल्यू दी जाती है एंड वो ई स्पोर्ट्स में पार्ट लेती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, तो क्या आपको जानना है कि उसमें से जो नंबर 1 मतलब सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट्स एंड सबसे ज़्यादा प्लेयर्स कौन सी कंट्री के पास एंड कौन सी कंट्री ई स्पोर्ट्स पे टॉप पे बैठी हुई है। तो ये सारी रैंकिंग अगर आपको जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो यार ज़्यादा ना बोलते हो सीधा आज का ये वाला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोग ये जान लो कि ये वीडियो किसी भी कंट्री को हेट नहीं फैला रहा है या फिर किसी भी कंट्री का मजाक नहीं उड़ा रहा है, क्योंकि देखो इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं, उसमें से सिर्फ 149 कंट्रीज पार्ट ले रही है। तो चाहे किसी भी कंट्री का रैंक कितना भी कम हो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा इंडिया का रैंक ई स्पोर्ट नहीं यार इतनी जल्दी नहीं बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखो पता चल जाएगा इंडिया का क्या रैंक है। तो चलो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 पे कौन सी कंट्री बैठी हुई है। तो गाइस नंबर 1 पे है हमारी यूएस की कंट्री, जो कि अमेरिका जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अमेरिका जो है नंबर 1 पे है। जैसे कि आपको पता होगा अमेरिका कोई भी मोबाइल गेमिंग में आपको पार्टिसिपेट करता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ पीसी गेमर्स भरे हुए हैं एंड बहुत कम आपका रेयर चांस होता है कि वहाँ पर कोई मोबाइल गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं एंड उसमें प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो चलो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका में कितने टोटल ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं एंड उनकी टोटल अर्निंग कितनी है। तो यार अगर देखा जाए ई स्पोर्ट्स में तो यूएसए में टोटल 19,552 प्लेयर्स हैं एंड उनकी टोटल अर्निंग डॉलर्स में आपको यहाँ पे दिख रही होगी। एंड अगर इसे हम इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो होती है 12,78,031,07,88,150 रुपये। मतलब भाई बहुत ही ज़्यादा, ये लगभग हद से ज़्यादा अर्निंग है, क्योंकि ये मतलब तुम समझ रहे होगे यहाँ बिलियन तक पहुँच गया, वो भी 1 बिलियन नहीं 10 बिलियंस तक पहुँच चुका है अर्निंग। तो भाई समझ सकते हो कि ई स्पोर्ट्स का सबसे ज़्यादा क्रेज़ है यूएसए में। एंड बाकी जो लिस्ट है वो आपको दिख रही होगी यहाँ पे। तो भाई सेकंड नंबर पे जो आता है वो है चाइना। चाइना में लगभग आपको 4,845 प्लेयर्स मिलते हैं ई स्पोर्ट्स के, जो यूएसए के मुकाबले कुछ नहीं है। एंड चाइना जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में सेकेंड नंबर पर आता है एंड उसकी भी टोटल अर्निंग आपको दिख रही होगी यहाँ स्क्रीन पर। सो गाइस इससे तो आपको ये पता चल गया कि यूएसए जो है ई स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा आगे है, बहुत ही ज़्यादा आगे है। मतलब वो थोड़ा एक दो पॉइंट से आगे नहीं है, मतलब एक दो प्लेयर्स से या थोड़े बहुत पैसों से आगे नहीं है, बल्कि वो बहुत ही ज़्यादा पैसों से आगे है। एंड अब अगर बात करें मेन कंट्रीज, जैसे कि अगर आप इंडियंस हो एंड आपको देखना है कि इंडिया की टोटल अर्निंग कितनी है एंड इंडिया में टोटल ई स्पोर्ट्स प्लेयर कितने हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जान लो कि पाकिस्तान जो है वो 29th रैंक पर आता है ई स्पोर्ट्स में। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा गरीब देश है, वहाँ पर ई स्पोर्ट्स नहीं है, तो आप लोग ये देख लो, क्योंकि पाकिस्तान में भले ही आपको मोबाइल गेमिंग ई स्पोर्ट्स नहीं मिलता है, बट वहाँ पर जो है ये पीसी गेमिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एंड वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं। तो आप लोग को नहीं पता होगा क्योंकि आप लोग इंडिया से बिलोंग करते हो, बट जो पाकिस्तानी होते हैं उन्हें पता रहता है कि पाकिस्तान में इतने सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं। एंड यार अब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा सोच रहा होगा कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, बट मैं एक इंडियन हूँ एंड मैं पाकिस्तान के बारे में इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसका रैंक 29 है। एंड बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स बिल्कुल नहीं है, तो उन लोगों के लिए भाई ये देख लो कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं एंड उनकी भी टोटल अर्निंग आपको दिख रही होगी, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एंड अगर इंडिया की रैंक की बात की जाए तो इंडिया पूरे वर्ल्ड वाइड में जो इंडिया की रैंक है वो है, ध्यान से सुनना गाइस, 60 रैंक है इंडिया की, ठीक है। एंड अब आप सोचोगे कि ये जो भी बता रहा है सब कुछ फेक है, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा दिन पर दिन मतलब ई स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इंडिया में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मोबाइल गेमिंग ई स्पोर्ट्स बढ़ रहा है एंड मोबाइल गेमिंग से कहीं गुना ज़्यादा वैल्यू मिलता है पी सी गेमिंग ई स्पोर्ट्स का। एंड उसके जो टूर्नामेंट्स होते हैं उनके प्राइस पूल बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण पी सी गेमिंग तो अभी इंडिया में नहीं है, जिसके कारण इंडिया जो है अभी ई स्पोर्ट्स में बहुत ही पीछे आता है एंड पाकिस्तान जैसे देश भी इंडिया से आगे बढ़ जा रहे हैं। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि जो पाकिस्तान है ई स्पोर्ट्स में इंडिया से आगे है एंड जो यूएस है वो सबसे ज़्यादा आगे है, ठीक है। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। जैसे कि मैंने बोला था कि ये वीडियो किसी भी प्लेयर्स को हेट फैलाने के लिए नहीं है एंड इंडिया की अभी टोटल अर्निंग ई स्पोर्ट्स से आप देख रहे होंगे, तो बस इतनी है यूएस डॉलर्स में। एंड जैसे कि यहाँ पर यूएस डॉलर्स दिख रहे हैं आपको, तो मतलब ज़्यादातर जो ऑफिशियल टूर्नामेंट्स होते हैं वो सब कुछ यूएस में ऑर्गेनाइज होते हैं एंड ये सब कुछ इसीलिए हो पाता है क्योंकि यूएस में ई स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू दिए जाती है एंड वहाँ के पेरेंट्स समझते हैं ई स्पोर्ट्स को, जो कि इंडिया में नहीं है।
सो बस यार यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि कोई भी अगर कभी भी ई स्पोर्ट्स के बारे में बात करे तो उसे थोड़ा बहुत नॉलेज हो कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स कितना कम है एंड ई स्पोर्ट्स को बढ़ाया जा सके इंडिया में। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।